हाय गाइस, आरती बघेल ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। हमारा इंदौर में दूसरा दिन सुबह सुबह शादी का दिन है गाइस। पहली बार हम इंदौर की शादी देखेंगे। राजस्थान के हैं वो, इंदौर में रहते हैं। पहली बार देखूंगी कैसी शादी रहती है गाइस। आप लोग भी ब्लॉग में बने रहिएगा और शादी एंजॉय करिएगा। ठीक है, अब मैं आप लोग को नीचे ही मिलूंगी। ठीक है, दिखाती हूँ कैसा सजावट है। बारात आने वाली है, साफा बांधूंगी। मेरा साफा कर बराती के स्वागत के लिए खड़े हुए हैं गाइस। ये दुल्हन का भाई है, ये दुल्हन का भाई है, बासु है गाइस। हाय, ये लेडीज, ये लड़की तरफ का है गाइस। जो सफेद साफा पहने हैं वो लड़की वाले हैं, जो रेड पहने हैं वो लड़का वाले हैं, और हम दोनों पहन लिए हैं रेड। हम और चाची उनकी रेड साफा नहीं था गाइस। ये चाची का लुक है और ये साची का लुक है और ये मेरा। पहली बार साफा पहनी गाइस, अच्छा लग रहा है बताइए कमेंट करके। ठीक है, इससे भी मिली है ये छोटी, वो है नव्या, न्यू सब्सक्राइबर। न्यू सब्सक्राइबर, मेरा चैनल ढूंढ ढूंढ के सब चैनल सब्सक्राइब कर दी। मेरे सब्सक्राइबर है, ये मेरी छोटी सब्सक्राइबर है गाइस। प्लीज आप लोग सपोर्ट करिएगा। ये आ गई बारात गाइस, देखिए वो दूल्हा है, अभी अच्छे से दिखे गाइस। और ढोल में तो सब लोग ऐसे नाच रहे हैं, ढोल वाला भी एकदम जोश में है और डांस करने वाला भी जोश में है। देखिए बारात आ गई, एंजॉय करिए। ये दूल्हा पता नहीं क्या गेट में तलवार लेके कर रहे हैं। इन लोग का तो एकदम नियम हम लोग के हिसाब से अलग है गाइस। बस हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, क्या कैसे है, पर अलग कुछ डिफरेंट देख के मजा आ रहा है गाइस। एक तरफ लेडीज लेडीजों को माला पहना रही हैं और एक तरफ जेंट्स जेंट्स को माला पहना रहे हैं। हम हैं लड़की वाले वाली घर आती है गाइस। ये गाइस दुल्हन के सास ससुर जी हैं और ये चढ़ाव का सामान है जो दुल्हन को सौंप रहे हैं। साड़ी वगैरह भी आई हैं तो वो पीछे रखी हैं गाइस। देख लीजिए, दबे नहीं बस, क्योंकि शाम को उसको पहनने को चाहिए ना। रिसेप्शन में ना पहने पतली वाली आ जाएगी। अभी कन्यादान हुआ था गाइस। देखिए कन्यादान सबसे मुश्किल काम होता है गाइस। फिर पता नहीं क्या ये नियम चल रहा है, बस हम बैठ के देखते जा रहे हैं और समझ रहे हैं गाइस। कुछ नहीं जानते, ये इंदौर का नियम गाइस, इंदौरी शादी, इंदौरी। Yeah.
लड़की का पाँव पूजने के बाद गाइस ये पाँव पूजने वाला नियम हम लोग का है। फिर लड़का लड़की को ले जाते हैं बाहर सूर्य नमस्कार करने के लिए गाइस। कुछ होगा नियम उन लोग की पूजा करने का गाइस। फिर आता है कि कलेवा का वो टाइम यानी सुबह का नाश्ता का। देखिए दूल्हा जी कैसे मुस्कुरा रहे हैं, बोल रहे हैं कि पहले सासू माँ खिलाएंगी तभी खाऊँगा मैं। देखिए सासू माँ खिला रही हैं गाइस। कलेवा के बाद यानी नाश्ता के बाद सबसे मुश्किल काम आता है जूता चुराई वाला गाइस। देखिए लड़कियां कैसे लड़ रही हैं और ये तो दूल्हे के सबसे मुश्किल काम होता है गाइस उतारा करना। इधर से लिफ्ट से ही जाओ। बस आ रहा है अभी।